अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4x इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट माइनस 3। अब इसको हमने प्रूफ हल करना है, कैसे करेंगे? माइनस 3 को ले जाएंगे 4x के पास, ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा। अब हमने वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल एक्स अंडर रूट के अंदर मौजूद है। अब अंडर रूट का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास 4x प्लस 3 ये स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये फार्मूला लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी के मुताबिक इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फार्मूले का 2, ए हमारे पास 4x, बी हमारे पास 3, ये आपस में कैंसिल हो गए, 14। अब ये 16x स्क्वायर प्लस 9 24x 13x प्लस 14। अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इधर ले आते हैं, ये हमारे पास रेंज लगा दी मैंने, ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐड किया तो प्लस 11x, इनको ऐड किया तो माइनस 5 आ गया। अब इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। क्वाड्रेटिक को हल करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फार्मूला, जो आपको आसान लगे वो आपने कर लेना है। अब मैं इधर फैक्टराइजेशन बनाने लगा हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, सिक्स ये वैसे आ जाएगा प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जैसे क्या कामन आ गया, 16x कामन आ गया x प्लस 1, जैसे माइनस 1 5 कामन आ गया x प्लस 1, ये हमारे पास x प्लस 1 कामन आ गया इन दोनों से, बाकी क्या बचा है, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 आइदर 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 16x इज इक्वल टू 5, 16 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आवर 16 आ जाएगा। अब ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं, अब इन रूट्स को हमने चेक करना है कि ये अब क्या हमारे रूट्स ठीक निकले हैं या नहीं, गलत तो नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन रूट्स को आपने इक्वेशन नंबर जो आपको दी हुई है उसमें आपने पुट करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल 3 की तरह है, 3x प्लस 100 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस इक्वल टू 4। अब इसको हल करते हैं, माइनस इधर आ जाएगा तो हमारे पास एक्स प्लस प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास 3x, इधर हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी, ये हमारे पास 3x प्लस 100 16x स्क्वायर 8x। अब इसको क्या करते हैं, हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x
प्लस 1600 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, इसको ऐड करेंगे प्लस 84 इक्वल टू 0। माइनस में कामन ले लेता हूँ, ये हमारे पास प्लस माइनस 84 इक्वल टू 0। माइनस जब 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे? हमने फैक्टराइजेशन ऐसी बनानी होती है, फिर समझ लें, फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे पास आया 84x² आया। अब हमने पेयर ऐसा बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ आ जाए और ऐड करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाए। अब देखें, 7x माइनस का आएगा प्लस 12x माइनस 84। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 84x² बन जाएगा। अब इसे क्या कामन आ गया, x माइनस 7 प्लस 12 कामन आ गया x माइनस 7 x प्लस 12 0। अब बारी बारी इसको 0 के बराबर करेंगे, अब हमने ये हमारे पास रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या हमारे रूट ठीक है या नहीं। अब मैं इसमें पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, 7 में पुट करने लगा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, सेवन को जाकर क्या हो गया माइनस, ये हमारे पास 121 अंडर रूट, और ये हमारे पास इधर माइनस है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है क्योंकि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस में है, ये हमारे पास 11, ये अंडर रूट भी 11 होता है, यानी ये रूट्स हमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन सेट ये हुआ। इसी तरीके से आपने एक्स माइनस 12 पुट करना है तो हमारे पास वो भी सेटिस्फाई होगा। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो बनेगा हमारे पास, 7y - 12, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने 1.4 के 3 और 4 क्वेश्चन किया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।